अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी चिकन भिंडी किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 1 kg चिकन, 1 kg ओखरा, 500 ग्राम टोमेटोज, 2 large साइज अनियंस, 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 20 बटन चिलीज, 1 tablespoon चिली फ्लेक्स, 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 tablespoon क्यूमन सीड्स, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 lemon जूस, 1 tablespoon गार्लिक, 10 green चिलीज। ऑयल के अंदर मैंने ये प्याज और लाल मिर्च डाल दी है। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। प्याज को नरम करने के बाद अब इसके अंदर मैं ये लहसुन डाल दूंगी और इसको भी थोड़ी देर तक फ्राई करूंगी। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं ये जीरा डाल दूंगी और इसको भी थोड़ा सा भूनूंगी। जीरे को भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं ये लाल मिर्च डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी, हल्दी डाल दूंगी और टमाटर डाल दूंगी और टमाटर डाल के थोड़ा सा भूनूंगी। टमाटर को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं ये चिकन डाल दूंगी। चिकन को डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। चिकन को भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं ये 1 कप पानी डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। अब मैं ढक्कन इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए और चिकन गल ना जाए। देखिए चिकन का पानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और चिकन भी गल गया है। अब इसके अंदर मैं ये पिसा हुआ गरम मसाला जो मैंने बताया था आपको वो डाल दूंगी, लेमन जूस डाल दूंगी, हरी मिर्च डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैंने जो भिंडियां काट के रखी हुई है वो डाल दूंगी। और अब मैं इसको दम पर रख दूंगी। जब तक ये भिंडियां गल ना जाए तब तक मैं इसको दम पर ही रखूंगी। देखिए अब ये तैयार हो गई है, मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। देखिए नाजरीन, गरम गरम चिकन भिंडिया मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। आप इसको इसी तरह बनाकर खाइएगा, ये खाने में बहुत मज़ेदार होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।